हेलो एवरीवन तो आज हम जावास्क्रिप्ट के एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी हिस्से फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं तो फंक्शंस प्रोग्रामिंग में आपको बार बार होने वाले टास्क को आसान बनाने में हेल्प करता है तो सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शंस बेसिकली होते क्या है तो एक फंक्शन एक कोड का पीस होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है ये आपके कोड को बार बार लिखने से बचाता है और आपके प्रोग्राम को ज़्यादा ऑर्गेनाइज बनाता है जैसे अगर आपको किसी लिस्ट ऑफ नेम्स को प्रिंट करना है तो आप एक फंक्शन बना सकते हो उसके लिए लेट्स uh, से मैं uh, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ ठीक है तो जब हम फंक्शन बनाते हैं ना तो जावास्क्रिप्ट uh, में एक रिजर्व कीवर्ड होता है फंक्शन बनाने के लिए जिसका नाम फंक्शन ही होता है तो जब भी आपको फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले आप लिखोगे फंक्शन उसके बाद फंक्शन का नाम ठीक है तो यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं प्रिंट नेम ठीक है क्योंकि हम इस फंक्शन को क्यों, क्यों किस तरीके से यूज करेंगे हम इस फंक्शन में क्या करने वाले हैं इस एक ऐसा फंक्शन लिख रहा हूँ जो कि मुझे नेम प्रिंट करके देगा ठीक है और यहाँ पे पेरेंथेसिस होंगे उसके बाद कर्ली ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो कोड बार बार यूज करना चाहते हो वो लिखोगे ठीक है तो लेट से मैं यहाँ पे सिंपली अपना नाम को प्रिंट करना चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग और जो भी मेरा नाम है जैसे मैंने हेलो लिख दिया हेलो प्लस नेम ठीक है ऐसा कुछ तो ये मेरा एक सिंपल एग्जांपल है फंक्शन का ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या करा यहाँ पे हमने एक प्रिंट नेम नाम का फंक्शन बनाया है ठीक है और यहाँ पे क्या होगा ये हर बार मुझे ये प्रिंट करके देगा हेलो प्लस नेम नेम एक वेरिएबल है यहाँ पे अब यहाँ पे तो मैं तुम कहोगे कि मुझे कोई वेरिएबल दिख नहीं रहा है तो कैसे होगा तो फर्स्ट थिंग ये है कि आपको फंक्शन बनाना चाहिए तो फंक्शन तो आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे बनते हैं फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले मैं फंक्शन की वर्ड का यूज़ करूंगा उसके बाद फंक्शन का नाम और फिर उसके बाद जो भी मुझे कोड मेरे फंक्शन के अंदर लिखना है वो मैं कर्ली ब्रेसेस लगा के लिख सकता हूँ ठीक है अब बात आती है कि ये वेरिएबल कहाँ से आएगा अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आ, हेलो मुदित तो वो ये फंक्शन ना हर बार हेलो मुदित को ही प्रिंट करेगा लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है से तुम्हारा कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे डिफरेंट यूजर्स रोज आते हैं ठीक है तो डिफरेंट यूजर्स जब भी आएंगे तो तुम सबसे पहले एक प्रि... उनका आ, उनको ग्रीटिंग मैसेज शो करना चाहते हो हेलो वट एवर उसका जो भी उसका नाम वगैरह है ठीक है तो एक आ, ऐसा कोड लिखना चाहोगे ना जहाँ पे वो जब अपना नाम डालेगा तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट अपने आप को चेंज करे राइट तो नेम एक्चुअली में तुम एक इनपुट की तरह ले रहे हो ठीक है तो वो नेम यहाँ पे कैसे आएगा तो जब भी हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं फंक्शन को कॉल करने का क्या मतलब इन्वोक uh, तो 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 करना होगा जब भी मुझे इसको कॉल करना है मतलब मैं चाहता हूँ कि ये, code, ये वाला जो लाइन लिखी है ना मैंने इसे एग्जीक्यूट करना है तो मैं सिंपली फंक्शन का नाम और पेरेंथेसिस सिंपली ऐसा लिख दूंगा ठीक है ऐसा लिखूंगा और फिर आ, ये सीधा जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे और यहाँ पे जो भी तुमने कोड लिख रखा है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा ठीक है अब बात आती है पैरामीटर्स की पैरामीटर्स क्या होता है आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है तो जो अब जैसे मैं यहाँ पे आ, ऐसे अपना नाम लिखता हूँ ठीक है यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ तो ये क्या है ये एक आर्ग्यूमेंट है ये एक आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पे जो तुम डिफाइन करोगे उसे कहते हैं पैरामीटर्स ये क्या होते हैं जब भी मुझे फंक्शन को कुछ चीज पास करनी है जब मैं उसे इन्वोक कर रहा हूं क्यों पास करनी है क्योंकि कभी बार हम जो जो भी हमारा रियूजेबल कोड है उसमें हमारा डेटा चेंज हो सकता है जैसे यहाँ पे जो नेम वेरिएबल है हर बार इसकी वैल्यू चेंज हो गई तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहाँ पे मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स चेंज करूंगा ठीक है और पैरामीटर्स यहाँ पे आ, आप सिंपली एक नाम होगा जैसे यहाँ पे नेम लिख देता हूँ मैं तो हर बार ये आर्ग्यूमेंट क्या है इसकी वैल्यू है इस नेम की वैल्यू तो हर बार ये चेंज हो गई ठीक है तो आई होप ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा एक बार एग्जांपल लेते हैं एक बार एक एग्जाम्पल देखते हैं तो सिंपली हर बार जो हर वीडियो में मैं करता हूँ एक एच फाइल जहाँ पे मैंने अपनी जावाज्रिप्ट फाइल को अटैच कर रखा है ठीक है तो सिंपली जो भी हमने एग्जाम्पल वहाँ पे समझा है सिंपली अब हम वही लिखेंगे फंक्शन ग्रीड लिख देता हूँ फंक्शन का नाम ठीक है और यहाँ पे एक पैरामीटर जिसका नाम है नेम और सिंपली मैं कंसोल डॉट लॉक का यूज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा हाई प्लस नेम जो भी नेम है यूजर का अब इस फंक्शन को इन्वोव करते हैं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना नाम लिखता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे तुम ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो तुम्हारा कंसोल है वहाँ पे तुम्हें हाई मदद दिख रहा है अगर मैं यहाँ पे सिंपली इसको चेंज कर दूँ और यहाँ पे लिख दूँ कोई और नाम जैसे एलश ठीक है देखो हाई एलश तो एक ये एक रीयूजबल कोड है मतलब ये जो कोड है ये मुझे बार बार अब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने क्या करा एक फंक्शन बनाया और बार बार जब मुझे आ, उस कोड की जरूरत पड़ती है मैं सिर्फ उस फंक्शन के नेम को कॉल कर रहा हूँ और वो वाला पीस ऑफ कोड दोबारा से एग्जीक्यूट हो जा रहा है सो आई होप वी नाउ नो वॉट आर फंक्शंस हाउ वी कैन क्रिएट फंक्शंस एंड हाउ वी कैन इन्वोव फंक्शंस सो आई गेस ये बेसिक्स ही चीज़ अब हमें क्लियर हो चुकी है ठीक है और हम फंक्शन जवासक्रिप्ट में बहुत ईजीली बना सकते हैं तो अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन डेक्लेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन के डिफरेंस की जब हम फंक्शन की वर्ड से शुरू करते हैं लाइक इन दिस केस हमने फंक्शन की वर्ड से एक फंक्शन बनाया राइट जब भी हम फंक्शन की वर्ड से शुरू करते हैं तो उसे हम फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं जब आ, तो ये वाला जो एग्जांपल है जहां पे हम फंक्शन की वर्ड से यूज कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं फंक्शन डेक्लेरेशन ठीक है अब जो हम अगली चीज देखने वाले हैं वो क्या है फंक्शन एक्सप्रेशन जब भी हम फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं उसे कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन फंक्शन एक्सप्रेशन फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया ठीक है लट्स um, से मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट ग्रीट ठीक है और इसके अंदर मैंने सिंपली एक ऐसे लिख दिया फंक्शन पेरेंथिस और जो भी मेरा कोड है इसके अंदर मेरा कोड आएगा ठीक है इसको इस तरीके को जब आप ऐसे अनोनोमस फंक्शन बनाने की कोशिश करोगे तो इस प्रोसेस को तुम कहोगे फंक्शन एक्सप्रेशन और इसको कहोगे फंक्शन डिक्लेरेशन आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर है दोनों को इन्वोक करने का सेम तरीका है बट ठीक है दोनों को इन्वोक करने का से, सेम ही तरीका है मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन डिक्लेरेशन ठीक है अब एक एग्जाम्पल हम देखेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन का ठीक है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट से हाई इज इक्वल टू फंक्शन एंड यहाँ पे सिंपली हम कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम हाई लिख देते हैं इसको भी आप सेम ऐसे ही कॉल करोगे जैसे आप पहले फंक्शन को कॉल कर देते तरीका कॉल करने का सेम है देखो यहाँ पे हाई प्रिंट हो गया लेट्स से मुझे यहाँ पे कोई पैरामीटर भेजना है हाई एंड टाइम ठीक है यहाँ पे प्लस टाइम और यहाँ पे मैं टाइम भेज देता हूँ मॉर्निंग ओके समथिंग लाइक दैट देखो हाई इट्स मॉर्निंग एक्सपेस डाल देता ताकि अच्छे से दिखे ठीक है तो सही है तो आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं फंक्शन डिक्लेरेशन भी हमको पता है फंक्शन एक्सप्रेशन भी हमको पता है क्या होता है बस ये कंसेप्ट बताना चाहिए कि फंक्शन की वर्ड नेम और पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स बता होने चाहिए बाकी इसमें और कुछ भी डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो दोनों ही केसेस में हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं फंक्शन का नाम और पेरेंटिस दैट्स इट ठीक है उसके बाद आता है आ, उसके बाद है हमारे पास

तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखते हैं एरो फंक्शन का कॉन्स्ट एड नंबर्स करके मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे आप पैरेंथेसिस लगा के अपने पैरामीटर्स को पैरामीटर्स uh, लिख सकते हैं ठीक है और उसके बाद इसी लाइन के अंदर फैट एरोक्स इसको कहते हैं फैट एरो सिंपली मैं ए प्लस बी लिख सकता हूँ ठीक है तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ एक एरो फंक्शन लिखूँ यहाँ पे एरो फंक्शन तो यहाँ पे अगर मैं एड नंबर्स लिखूँ टू एमा बी ये फंक्शन दो पैरामीटर्स लेगा और सिंपली मुझे ए प्लस बी वापस कर देगा ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और एड नंबर्स लिखूँ यहाँ पे और इसको फाइव कॉमा थ्री भेज दूँ फाइव कॉमा थ्री तो ये मुझे एट रिटर्न कर देगा ठीक है तो एरो फंक्शंस में फंक्शन कीवर्ड की ज़रूरत नहीं होती और एक कोड को ज़्यादा क्लीन और कंसाइज बना देता है तो और आ, यहाँ पे तुम लोग ये भी कर्ली ब्रेसेस लगा के अगर तुम्हारा कोड बड़ा है तो कर्ली ब्रेसेस लगा के भी अपना कोड लिख सकते हो ठीक है अब बात आती है रिटर्न कीबर्ड की अब जैसे इस फंक्शन का कोई काम मतलब यहाँ पे हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं आ, तुम ये कह सकते हो कि एक वॉइड फंक्शन है या फिर ये वाले जो फंक्शन होते हैं हमें अनडिफाइंड चीज भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने अपना रिटर्न की का यूज करा ही नहीं है रिटर्न रिटर्न क्या होता है uh, return एक reserved keyword है एक ठीक है जावा में तो रिजर्व की जब मैं कहता हूँ तो मतलब उसका है कि आप वो की वर्ड uh, मतलब वो की की कुछ फंक्शनैलिटी है ठीक है जैसे यहाँ पे फंक्शन की बताता है कि एक ही फंक्शन है आप कोई भी वेरिएबल फंक्शन के नाम से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते अगर मैं वैर फंक्शन लिखने की कोशिश करूंगा ना तो यहाँ पे देखो रेड्स कोई दिख रहा है क्योंकि एरर आ जाएगा इट इज़ नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन इन जावर स्क्रिप्ट ठीक है तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी अब एक फंक्शन बनाते हैं ठीक है एक फंक्शन बनाते हैं फंक्शन एवरेज कैलकुलेट काल्क एवरेज ठीक है और तीन नंबर ले लेंगे यूजर से ए बी सी और रिटर्न करेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई थ्री ठीक है तो इसको हम एक ब्रैकेट और लगा देते हैं यहाँ पे ठीक है तो एक फंक्शन बना दिया हमने और यहाँ पे रिटर्न की वर्ड का यूज करा है ठीक है अब जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा फाइव सिक्स सेवन का मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ तो तुम ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है जबकि मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया है इस फंक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे सिर्फ हम एवरेज निकाल रहे हैं और मैं यहाँ पे रिटर्न की वर्ड का यूज कर रहा हूँ मतलब ये फंक्शन जो है मुझे एक वैल्यू देगा तो अब उस वैल्यू को मुझे कहीं स्टोर कराना पड़ेगा राइट तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉन्स्ट रिजल्ट एवरेज और फिर मैं इसको कंसोल डॉट लॉक की मदद से अपने कंसोल पे प्रिंट कराना चाहूँ तो अब तुम देख सकते हो मुझे एवरेज यहाँ पे मिल चुका है तो जब तुम आ, एक फंक्शन बना रहे हो और उसमें कुछ लॉजिक लिख रहे हो और तुम चाहते हो कि वो फंक्शन क्योंकि बहुत बार हर बार हम लोग प्रिंट नहीं कराएंगे राइट हम कुछ चाहेंगे कि, कि वो कुछ वैल्यू हमको रिटर्न करे या कुछ भी कोई स्ट्रिंग या आ, कोई बुलियन वैल्यू लेट से तुम चेक करना चाहते हो कि ये प्राइम नंबर है या नहीं तो ऑब्वियसली वो फंक्शन मुझे ये बताना चाहिए कि क्या ये प्राइम नंबर है मतलब ट्रू या फॉल्स राइट right? तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि फंक्शन मुझे पता है मुझे कुछ रिटर्न करे मुझे कुछ रिजल्ट चाहिए तब तुम रिटर्न की का यूज़ करोगे और रिजल्ट उस फंक्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो उसको डायरेक्टली तो आई होप ये भी चीज क्लियर होगी ठीक है और ये यही सेम चीज़ अगर मैं एरो फंक्शन के साथ करने की कोशिश करता तो अगर मैं ऐसा लिखता कॉन्स्ट एड नंबर्स सॉरी नॉट एड नंबर्स यहाँ पे मैं लिखता कैलकुलेट एवरेज अब मैं इसी सेम चीज़ को अगर एरो फंक्शन मतलब दूसरा सिंटेक्स यूज करूँ ठीक है तो इसको यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगा के भी इसको कर सकते हैं लेट से मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ ठीक है डायरेक्ट रिटर्न नहीं करता ए प्लस बी प्लस सी ठीक है यहाँ पे सम लिख देता हूँ कॉन्सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कॉन्स्ट एवरेज इज इक्वल टू सम बाय थ्री ठीक है और आखिरी में रिटर्न एवरेज तो ऐसे भी हम आ, आ, ये एरो फंक्शन का यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ एरो फंक्शन ठीक है ऐसे भी कर सकते थे तो अगर मैं इसको कैलकुलेट एवरेज वाला मेथड यूज करूँ तब भी मेरा आउटपुट तुम यहाँ पे देख सकते हो सेम ही आएगा अगर मैं यहाँ पे टेन ट्वेंटी थर्टी करूँ तो से ट्वेंटी ठीक है तो आई गेस यही आना चाहिए ना थर्टी सिक्सटी सिक्सटी डिवाइड बाय थ्री ट्वेंटी ठीक है यही आना चाहिए तो आई होप समझ में आ गई होंगी ये चीज़ें उतनी डिफिकल्ट नहीं है ठीक है um, ये इसमें और भी uh, हाँ एक uh, एक डिफरेंस और है सिंपल फंक्शन और एरो फंक्शन में एक डिफरेंस और है तो हम अब समझते हैं उस चीज को एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको फंक्शंस के साथ समझनी चाहिए वो होती है दिस कीवर्ड दिस कीवर्ड इसको हम और अच्छे से देखेंगे जब हम ऊपस पढ़ेंगे ठीक um, है सॉरी इसको हैं ठीक है जब हम ऊप्स पढ़ेंगे इसको और अच्छे से देखेंगे अभी भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ये होता क्या है ठीक है तो ट्रेडिशनल फंक्शंस में दिस का कंटेक्स चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन हाउ या फिर कहाँ आप उस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो ठीक है जो हमारे ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं इसमें इस कीवर्ड इस का जो हमारा कंटेक्स्ट है वो चेंज हो सकता है ठीक है कंटेक्सट चेंज हो सकता है लेकिन जो हमारा लेकिन जो हमारा आरो, ओके गलती सेकेंड जो हमारा एक सेकेंड जो हम ये इतना लाइट हो गया एक मिनट सेकेंड ठीक है इसको मुझे देना चाहिए लेकिन जो हमारा एरो फंक्शन होता है ना अब जो फंक्शन होता है इसमें uh, जो है lexical scope, यानि कि जहां फंक्शन डिफाइन किया गया है उसी स्कोप को रेफर करता है ठीक है uh, इसको लिखता हूँ मैं यहां पे लिख देता हूँ ताकि याद रहेगा डिफाइन uh, uh, किया है उस स्कोप को रेफर करेगा ठीक है ये डिफरेंस अभी के लिए याद रखना है हमको ये क्लियर कब होगा अभी मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिन्होंने थोड़ी सी पहले से पढ़ रखी जाओ स्क्रप्ट या जिनको ऊप्स आती है वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे लेकिन जिनको नहीं आती जब हम उप्स पढ़ेंगे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी लेकिन हमको आ, ट्रेडिशनल फंक्शन और एरो फंक्शन में डिफरेंस पता होना चाहिए राइट तो ट्रेडिशनल फंक्शंस में क्या होता है कि जहाँ भी आप दिस की वर्ड पे भी जिस जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर

तो ये चीज़ ये कंटेक्स चेंज हो सकता है लाइन अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है मैंने बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंटेक्स uh, चेंज हो सकता है कि इसका ये मतलब है कि जहाँ भी तुम फंक्शन को कॉल कर रहे हो उसके बेस पे इस दिस की की वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे वहाँ पर तो फटाफट से मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कार नाम का यहाँ पे ठीक है ब्रांड रखते हैं मारुति एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन uh, बनाता हूँ ट्रेडिशनल फंक्शन बनाते पहले ठीक है और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिख दूंगा कार का ब्रांड है और मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करूंगा अपने ब्रांड वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ठीक है और सिंपली इस ऑब्जेक्ट पे मैं ये शो ब्रांड नाम का फंक्शन को कॉल कर दूंगा तो यहाँ पे कार एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक मेथड है शो ब्रांड ठीक है शो ब्रांड एक ट्रेडिशनल फंक्शन है जब मैं कार डॉट शो ब्रांड को कॉल करूंगा तो जो तो दिस कीवर्ड है ये कार ऑब्जेक्ट को रेफर करता है दिस की क्या करेगा कार ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा इसलिए जो दिस डॉट ब्रांड है ये हमें मारुति uh, मारुति हमको वैल्यू दे देगा जब मैं इसको प्रिंट करूंगा सेव करूंगा तो हमें देखो कार का ब्रांड है मारुति ये प्रिंट हो गया राइट और लेट से एक आ, ग्लोबल कंटेक्स में एक ब्रांड है हमारे पास ब्रांड uh, ना ब्रांड टाटा ठीक है सेव करूंगा देखो अभी भी मारुति है राइट अब इसको कमेंट आउट करते हैं अब हम देखते हैं uh, एरो फंक्शन से अगर मैं बनाता हूँ तो क्या होता है तो सेम मैं अगर सेम चीज़ करूँ इक्वल टू यही सेम चीज़ कॉपी कर ले बस सिंटेक्स ही तो चेंज करना है हमको तो यहाँ पे इसको हटाते हैं इसको प्रिंट करते हैं और यहाँ फंक्शन हटा दूँगा और यहाँ पे फैट एरोटेक्स ठीक है तो आई गेस सारी चीज़ें सेम रहेंगी ना और तो कुछ चेंज नहीं करना है नहीं करना है ठीक है अब हम इसको कॉल करते हैं कार एरो डॉट शो ब्रांड अब चेक करें अब तो यहाँ पे देखो अनडिफाइंड यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है क्योंकि इस बार शो ब्रांड एक एरो फंक्शन है और एरो फंक्शन में ये जो दिस है यहाँ पे ये जो दिस का कंटेक्सट अलग है का context इस केस में अलग है इस केस में अलग था इस केस में दिस का कंटेक्स था जिस ऑब्जेक्ट पे तुमने कॉल करा है और यहाँ पे यहाँ पे जहाँ भी फंक्शन डिफाइन करा गया है ना दिस उस, उसको रेफर कर रहा है यहाँ पे इस केस में इस पर्टिकुलर केस में दिस जो है ग्लोबल कंटेक्सट को रेफर कर रहा है जहाँ जो कि कार ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ब्रांड तो कार ऑब्जेक्ट के अंदर है ना ये दिस तो ग्लोबल कंटेक्स को रेफर कर रहा है अगर मैं यहाँ पे ब्रांड लिखता हूँ कि ब्रांड है हमारा टाटा तो अगर अब मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे देखो तो मैं ये टाटा आ रहा है राइट आई होप क्लियर हो गया होगा पहले ये अनडिफाइंड था अब ग्लोबली uh, मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया तो इसलिए अब ऐसा आ रहा है ठीक है थीके? यहाँ पे मुझे वायर लगा देना चाहिए अच्छा गुड प्रैक्टिस ठीक है तो ट्रेडिशनल फंक्शन में ट्रेडिशनल फंक्शन में दिस उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जिसमें फंक्शन कॉल होता है एरो फंक्शन में दिस उस स्कोप को रेफर करता है जहां फंक्शन डिफाइन करा गया है ना कि जहां से कॉल करा गया है ठीक है क्योंकि इस केस में हमने फंक्शन यहां पे आ, इस केस में हमारा यहां पे ग्लोबली इस चीज को एक्सेस कर रहा है वो तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी ठीक है तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा एक एक एक, और कंसेप्ट दैट इज़ योर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंसेप्ट ठीक है तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है पहले आप ये समझते हैं तो जैसे अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँ आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अगर नहीं भी हुई है तो हम इसको और अच्छे से देखेंगे कब जब हम ऊप करेंगे ठीक है वहाँ पर दिस की के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे और इस डिफरेंस को एक और बार समझेंगे तो अगर अब हम पढ़ने वाले हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के बारे में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स ठीक है फंक्शन में आप ना पैरामीटर्स के साथ डिफॉल्ट वैल्यूज भी सेट कर सकते हो ठीक है तो अगर मैं पे लिख दूँ गेस्ट लेट्स से मेरा आ, मेरी वेबसाइट पर कोई यूजर आया उसने अपना नेम एंटर नहीं करा तो फिर मैं उसको ऑब्वियसली हाय और उसका नेम प्रिंट नहीं करा पाऊंगा राइट तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे हेलो गेस्ट प्रिंट कर दूँ तो अगर अब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा और अगर कोई भी वैल्यू पास नहीं करूँगा तो उस टाइम ये हेलो गेस्ट प्रिंट होगा लेकिन अगर मैं यहाँ पे नाम पास कर दूंगा तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट नहीं होगी क्योंकि ये जो नेम की अब वैल्यू है वो है मुदत ठीक है बट इन केस अगर यूजर नहीं करता है डिफाइन तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हमको ऐसे बचा सकते हैं ठीक है थेके? तो आई गेस आप लोग को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी तो ये थी हमारी आज की क्लास जावा के फंक्शन के ऊपर फंक्शन से हम अपने कोड को ज़्यादा मॉडुलर रियूजल और एफिशेंट बना सकते हैं और इन कंसेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करना और देखना कि आप इन्हें अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज़ कर सकते हो तो अगली बार हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जहाँ पर हम जाओ और इंटरेस्टिंग पार्ट को एक्सप्लोर तो तो कर